जानते हैं कि तिल हमारे शरीर पर कौन से स्थान पर क्या प्रभाव डालता है, जानते हैं। जैसे माथे पर तिल का होना मनुष्य को भाग्यवान बनाता है, जबकि ओंठों पर तिल कामुकता का प्रतीक होता है। तिल स्त्री के शरीर पर बाएं भाग में और पुरुष के शरीर पर दाएं भाग में शुभ माना जाता है। शहद के रंग का तथा भूरे रंग का, पन्ना की तरह हरे रंग का तथा काले रंग का तिल हर किसी के शरीर पर होते हैं और ये शुभता के और अशुभता के प्रतीक होते हैं। जैसे ओंठ पर तिल होना मिष्ठान प्रिया का द्योतक है, पैर के तलवे पर तिल होना यात्रा करने का द्योतक है और पेट पर तिल होना संतान के न होने का भी कारक होता है और गुप्त अंग पे तिल होना भी संतान को न होने देने का प्रतीक माना गया है। और अगर किसी की जीभ पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री अशुभ मानी गई है। दूसरी तरफ अगर हथेली पर तिल है, दाहिने हाथ की हथेली पर, और आप मुट्ठी बंद करते हैं तो तिल आपकी मुट्ठी पर बंद हो जाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है और धन से कभी रिक्त नहीं होता है। और अगर बाएं हाथ की हथेली पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य नहीं हो सकता, यानी पैसा उसके हाथ पर नहीं टिकता है, खर्च ज़्यादा होता है और आय कम होती है। इसी तरीके से पीठ पर तिल हो तो वह व्यक्ति भाई के लिए खराब होता है। इसी तरीके से साथियों, तिल का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा विस्तार पूर्वक कि शरीर के विभिन्न अंगों पर किस रंग का तिल किस तरीके का प्रभाव देता है, ये जानेंगे अगले वीडियो में।